दोस्तों, बबीता के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे देसी राबड़ी। देसी राबड़ी और रबड़ी नाम सुनने में एक जैसा लगता है, पर दोनों अलग अलग हैं। राबड़ी है ये छाछ से बनती है और रबड़ी दूध से बनती है। तो चलिए बनाते हैं राबड़ी। राबड़ी बनाने के लिए मैंने ये सामग्री ली है, जिसके अंदर ये बाजरे का आटा है। ये मैंने 4 चम्मच बाजरे का आटा लिया है। ये बेसन है, अगर आप बेसन मिलाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अकेले बाजरे के आटे की भी बना सकते हैं। बाजरे का आटा वैसे मेन जो राबड़ी बनती है वो बाजरे के आटे से ही बनती है, और बेसन से भी बना सकते हैं आप, कनक के आटे की बना सकते हैं, इनको ऑयल कर सकते हैं, जो आप चाहें वो यूज़ करें। ये मैंने जीरा लिया है, ये नमक स्वाद अनुसार, और ये छाछ ली है 1 गिलास। तो सबसे पहले छाछ के अंदर हम बाजरे के आटे को घोल कर और नमक डालकर 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। ये देखिए, मैंने धूप में रख दिया था इसको पहले, 3 से 4 घंटे ये रखा हुआ है। ये देखिए, पानी इसका अलग हो जाएगा और ये गाढ़ा बैटर नीचे बैठ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगी। देखिए, 3 से 4 घंटे इसको धूप में छोड़ना होता है। इसके बाद अब हम गैस ऑन करेंगे। बाजरे शरीर के लिए वैसे तो इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन गर्मियों में ये ठंडी होती है और सर्दियों में इसकी तासीर गर्म होती है। ये देखिए, इसको हमने छान लिया है, और छानने के बाद में इसको लगातार चलाए रखना है ताकि नीचे ना लग जाए और फट ना जाए, क्योंकि हम कढ़ी बनाते हैं तो लगातार चलाए रखते हैं। इसी तरह से इसको चलाए रखना है और बॉईल हो जाए तब इसको एक बार सिम पर छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट के लिए इसे पकाना है सिम पर, क्योंकि आटा है तो पकने में थोड़ी देर लगेगी। बाजरी हमें वैसे तो गर्म होती है, इसकी तासीर हमें सर्दियों में तो ये सर्दी से बचाती है, गर्मियों में गर्मी से बचाती है, क्योंकि राबड़ी जब हम बनाते हैं तो उसे फ्रिज में रखकर ठंडा और छाछ के साथ मिलाकर पी जाते हैं, जिससे हमें लू नहीं लगती। तो जब भी आप इसे बनाएं, घर से बाहर जाने से पहले इसे पी के जाएं, बहुत अच्छी होती है बॉडी के लिए। तो लगातार इसे चलाए रखें। देखिए, लगातार चलाने से ही गाढ़ी हो गई है और इसमें उबाल भी आ गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, अगर छाछ मिलाना चाहें तो छाछ ही मिला सकते हैं। अब इसे हम सिम पर पकाने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, ये राबड़ी पक के तैयार हो चुकी है। इसे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद में हम सर्व करेंगे। तो मिलते हैं 5-6 घंटे के बाद। देखिए, 5 से 6 घंटे हो गए हैं और हमारी राबड़ी बनके तैयार है, ठंडी हो गई है ये। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए राबड़ी को सर्व करते हैं तो उसके साथ छाछ मिक्स करते हैं, क्योंकि वो हमें पीनी होती है। ऐसे लोग, कई लोग सीधी राबड़ी खाते भी हैं, वो सर्दियों में होता है, जिससे आपकी बॉडी को गर्मी मिले, हीट मिले। तो इसमें छाछ मिक्स करेंगे जितना आपको अच्छा लगे। देखिए, अब मैं इसको डिस्कलर की मदद से मिला लूंगी। अगर आपके पास ऐसा डिस्कलर नहीं है तो आप इसे स्पून से भी मिला सकते हैं। मैंने अब इसको इसमें ऐड करने के लिए ये जीरा लिया है, ये साबुत जीरा है भुना हुआ, ये कुटा हुआ जीरा है, ये काले मिर्च है, प्याज है, पुदीने के पत्ते, और ये नींबू है जो मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी, ये काला नमक है। अगर आपको काला नमक नहीं पसंद है तो आप सीधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है।
प्याज भी वैसे बहुत अच्छे होते गर्मी में, लू नहीं लगती इन्हें खाने से, तो इसीलिए मैंने इसमें प्याज भी ऐड किया है। ये देखिए ये देखिए टेस्टी राबड़ी तैयार है। तो आप भी पीजिए, इसे बनाइए, इसे पीजिए, अपने फ्रेंड्स को अपनी फैमिली को भी पिलाइए और गर्मी से राहत पाइए। थैंक यू।